अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों नाते जा रहा है गधों की तरह अकेले अकेले? हो गया क्या भाई? अरे तुझे पता नहीं, आज मैंने करी नहीं खाई, आज मैं डांस करूंगा पूरा दिन। बस फर्क इतना है, बाकी लोग नंगा डांस करते हैं, मैं कपड़े पहन के करूंगा, सूट पहन के करूंगा। तुझे पता नहीं इस बारे में? ना बे, मेरे को तो नहीं पता कुछ। बताइयो क्या हुआ। कोई बात नहीं, चल मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, तुझे अच्छे समझ में आएगा। तो हुआ यूं कि आज से लगभग 500-700 साल पहले किसी दूसरे देश के प्रकांड विद्वान जो थे वो आए हिंदुस्तान। शिक्षा, हमारे जो है संस्कृति, विरासत, खान पान, व्यवहार का पता लगाने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, हमारी भाषा के को भी पढ़ने के लिए आए। आने के बाद उन्होंने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, हमारी संस्कृति देखी, हमारा कल्चर देखा, हमारा विरासत देखा, हमारा सब कुछ देखा। देखने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हम हिंदुस्तानी करी नहीं, जिस दिन करी नहीं खाते उस दिन हम नंगा होके नाचते हैं, और हमारे महिलाओं के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है वो बच्चा नहीं होता, वो करी होता है, वो भी करी है। और तीसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि हम तो ऐसे ही अरे गहरे किसी देश में चले जाते हैं उठ करके, जैसे कि करी दिखा, नान दिखा करके चले जाते हैं, द करी, मतलब टिकट विकट तो हमारे लेने की कोई हैसियत है नहीं, हम बस करी दिखाते हैं, उसी पे हमारा पूरा टिकट विकट सब फ्री हो जाता है। वाह, मतलब जिस देश में आप रह करके शिक्षा ली आपने, लोगों से इतना प्यार लिया, व्यवहार लिया, इतने लोग हैं, कई लोग, कितने लोगों को मैं नाम बताऊं, मतलब उनका निष्कर्ष आपने ये निकाला, वाह, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर दी जाएगी। बट ये बताओ यार कि वाकई किसी की, किसी की संस्कृति का, किसी के सारे खान पान का इस तरह से मजाक उड़ाना, मतलब उन लोगों को लगता है कि जैसे हम करे ही खाते हैं दिन भर, जिस दिन करे नहीं खाते उस दिन हम नंगा होके नाचते हैं, वाह क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि किसी एक दो के चलते हम पूरे कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते। भाई इसमें भी मैं बोलूँगा इस बात को भी कि किसी एक बंदे ने अगर इस तरीके से सारी चीज़ें करी है तो उसमें हम सबको नहीं बदनाम कर सकते ना, सारे मतलब पूरे देश को नहीं बदनाम कर सकते, बट कम से कम उसमें हमारे भी देश के कई लोग हैं। अभी अभी कुछ मैंने देखी एक वीडियो, आप लोगों ने भी देखी ली होगी, काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो उसमें हमारे जो देश के लोग हैं उनको भी तो कुछ समझना चाहिए था जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी या जो भी देखा, उनको तो कम से कम ये सोचना चाहिए था कि हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं, हम अपने देश का मजाक। क्या उनसे पूछें अगर हम कि क्या हम 24 घंटे तुम हर रोज़ करी खाते हो, तुम हर रोज़ करी, तुम्हारे पेट में बच्चा करे है, उसका नाम करी है, मतलब हद हो गई यार, कोई मतलब इस तरह की टेंडेंसी तो कम से कम मत बनाओ, क्योंकि हम लोग बाहर में रहते हैं, कल के डेट में तो सारे हमको करे 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 बुलाएंगे, मतलब हम जिससे भी बोलते हैं कि इंडोजिन मतलब इंडिया, करियासान मतलब करियासान मतलब होता है यहाँ जो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ना, उसको हम उसको यहाँ पे करियासान ही बोलते हैं वो लोग, करी। तो ऐसा मत करो कि राह चलते भी कोई हम लोगों को करियासान करी करी बोलने लगे। तो यही है कि विद्वान लोग आते हैं हमारे यहाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं खूब अच्छे से, और ज़्यादा खूब संस्कृति विरासत का, हमारी संस्कृति हमारी विरासत को हमारे हमें ही बताते हैं, और हमारी जनता भी वाह क्या बता रहे हैं, नई बातें, खूब सपोर्ट, खूब सब कुछ। और फिर उसके बाद निष्कर्ष यही निकलता है, देखिए आने के बाद आप क्या खाते हैं, आप दिन भर करी खाते हैं, आप तो करी हो, करी खाते हो, तो इस तरीके की है यार, थोड़ा सा इस मेंटेलिटी को बदलो, और थोड़ा सा हम चांद पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हाथों में भी बीन है, और ऐसा तो नहीं, हमारे यहाँ इतने खान पान हैं यार, इन लोगों को खिलाया नहीं क्या तुम लोगों ने, कुछ जल्दी कुछ खिलाइए इनको, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाइए, बोलिए देखिए साहब ये करे नहीं, केवल हम करे ही नहीं खाते 24 घंटे, हम ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, इतने पकवान यार बनाते हो त्योहारों पे, कम से कम कुछ खिला दिया करो, इतने हमारे मेहमान हैं, वो मेहमानों को कुछ खिलाओ, उनको बताओ कि ये जो है कि ऐसे निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं पंडित जी, जो है थोड़ा सा इसका भी अध्ययन करिए कि हम क्या क्या खाते हैं, आपके लिए तो हर चीज़ करे है, दाल भी बना दी हमारे करे है, सब्जी भी बना दी करे है, साला वो कुछ भी मतलब हिंदुस्तान में बन गया चावल के अलावा, रोटी के अलावा, और नहीं चावल के अलावा तो करे है, और नान, रोटी भी बना दो नान है, वो भी बना दो, कुछ भी बना दो वो नान है रोटी के, तो इस तरीके से नहीं होता भाई। हमारा हिंदुस्तान खाने पीने के लिए तो वर्ल्ड में फेमस है पूरे हिंदुस्तान का, और आप जो है करे पिला रहे हैं, करे के अलावा जिस दिन कुछ नहीं खाता उस दिन मैं नंगा नाचता हूँ, मेरा तो यही व्यू था इस पे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी एक दो के कृत्य के लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, बट जिन्होंने ये किया है वो तो अच्छा नहीं किया है, मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब बुरा तरीके से बनाया हम लोगों को। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा, अभी आया जी।